दोस्तों आम लोगों के मुंह से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई सब्जी बेचकर गुजारा कर लेंगे लेकिन राजनीति में नहीं जाएंगे क्योंकि यह बड़ी ही गंदी चीज है। इस दलदल में जो एक बार फंस गया उसके जीवन की खुशियां छिन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप समझ लो कि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इसी गंदी चीज के शिकार हो गए और वो दलदल में ऐसे फंसे हैं कि लगता है उनका सब कुछ खत्म होने वाला है। मानहानि के एक केस में सूरत की सेशन कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुना दी है। इससे उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा क्योंकि नियम के मुताबिक जिसे भी कम से कम 2 साल की सजा होती है वह कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया? तो क्या बीजेपी जो देख रही है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना वह साकार हो गया? और क्या अब भी राहुल गांधी के पास अपने करियर को बचाने के लिए कोई विकल्प बचा है, और अगर है तो वह क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। हर चुनाव की रैली में हमारे देश के नेता लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते भी हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी इन लोगों पर एक्शन लेता रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक्शन के बावजूद ये नेता लोग सुधरते नहीं है और चुनावी रैली के नाम पर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ किसी एक विशेष पार्टी या विशेष नेता द्वारा किया जाता है, इस तरह की अभद्र हरकत सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा की जाती है। तो ऐसे ही राहुल गांधी ने भी अप्रैल 20 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने उस रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। उनका स्टेटमेंट था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो यह है कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही हैं। अब नीरव मोदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि वे इंडियन बैंकों से अरबों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग चुका है और उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत की और फिर आईपीएल में ढेर सारा लूटपाट करके वो भी देश छोड़कर भाग गया है। इसका मतलब यह हुआ कि नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों देशों से लूटमार करके भाग गए हैं। राहुल ने उस स्पीच में 2 सबसे बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से आज उन्हें इतनी बड़ी समस्या हो गई। उनकी पहली गलती थी कि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी को भी चोर और लूटमार करने वाला साबित करने की कोशिश की। और उनकी दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने ये बोला कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, और दिक्कत यह हो गई कि मोदी समाज के लोगों ने इसे दिल पर ले लिया है और इसमें उन्हें अपनी इंसल्ट फील हुई है। देखो हमारे देश का संविधान और उसके आर्टिकल 19 हम लोगों को यह आजादी देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, और लोग इसका फायदा उठाकर किसी के बारे में भी झूठी मूठी बात बोल देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के उसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन भी है जो हमें डिफेमेशन पर बोलने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास बोलने का अधिकार तो है लेकिन हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जो सही नहीं है और जिससे किसी को इंसल्ट जैसा कुछ फील होता है। और आईपीसी सेक्शन 499 में भी डिफेमेशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें लिखा गया है कि हम किसी के बारे में ऐसी कोई झूठ बात नहीं बोल सकते जिससे उसकी सामाजिक मान मर्यादा पर आंच आए, और अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी या गलत बात बोलकर उसकी इंटेंशनली इंसल्ट करता है तो आईपीसी के सेक्शन 500 में उल्लेख है कि यह एक अपराध है और इस अपराध के लिए उसको, यानी कि जिसने गलत बोलकर या लिखकर किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। राहुल गांधी ने भी उस स्पीच के माध्यम से मोदी समाज को चोर कहने की कोशिश की, ऐसा मोदी समाज को लगा और उन्हें अपनी इसमें इंसल्ट फील हुई, और जिसके लिए राहुल गांधी के ऊपर गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर और अभी के विधायक पुर्णेश मोदी ने भी सूरत के कोर्ट में साल 2022 में केस दर्ज किया था जिसमें सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके स्पीच के उस हिस्से के लिए उन्हें दोषी पाया और सीजेएम ने 2 साल की सजा सुना दी। आपको बता दें कि इसी केस के सिलसिले में राहुल गांधी को इससे पहले 3 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था और उनसे कोर्ट ने सवाल भी पूछा था। उनके इस स्टेटमेंट के बारे में जब सीजेएम ने सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि वह एक चुनावी स्पीच थी और ऐसी में कई चुनावी रैलियां करता हूं और उसमें बहुत सी बातें भी बोलता हूं जो मुझे याद नहीं रहती। लेकिन खैर अब उन्हें याद हो या ना हो उन्हें इस बात के लिए सजा तो मिल ही गई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी पर उनके इस अभद्र स्टेटमेंट को लेकर बिहार के राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के लीडर सुशील मोदी ने भी उन पर डिफेमेशन सूट फाइल कर रखा है, लेकिन अभी उसका फैसला नहीं आया है। हालांकि सजा होने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी उसी कोर्ट ने दे दी जिससे कि उन्हें अभी जेल में नहीं रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उन्हें अगले 30 दिनों तक की मोहलत दे दी है
और साथ ही इसी 30 दिनों के भीतर वे अपर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि 2 साल की सजा होने से उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ सकता है। तो भैया इसका तो बहुत बुरा असर होने वाला है, क्योंकि नियम के हिसाब से अगर किसी को भी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा का अगर कोई सदस्य है तो उसकी सदस्यता भी रद्द की जाती है। सिंपल सा मतलब यह है कि सांसदी विधायक सब खत्म, पूरा राजनीतिक करियर ही खत्म। अब आप समझ सकते हैं कि जो इंसान अभी तक देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर बैठा था वो नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, और एक पॉलिटिशियन के लिए यह कितना बड़ा झटका है इसका अनुमान सिर्फ वही लगा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी पर कोर्ट द्वारा दिया गया ये फैसला आपको कैसे लगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या इस फैसले से हमारे देश के नेताओं को एक सबक मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं।